नमस्कार दोस्तों, मैं विलास तुलकुड़े और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बीते एक वर्ष में अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस जवानों के शहीद होने पर आज संपूर्ण देश के साथ साथ मुरैना में भी पुलिस प्रशासन ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। निर्धारित समय 9 बजे शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि आयोजन में पुलिस अधीक्षक मुरैना ललित साक्यवार ने देश के सभी 377 शहीदों के नामों का उल्लेख किया। कुमार, श्री पवन कुमार, श्री सुदीप सरकार, श्री जोगिंदर चांद, श्री रेशम सरावगी, एएसआई श्री वीरेंद्र कुमार, गणेश कुमार चौधरी, श्री रामवीर सिंह, श्री नरेश उमराव। इनमें मध्य प्रदेश के 15 शहीद भी शामिल है। पुलिस की सशस्त्र टुकड़ी द्वारा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद मुरैना कलेक्टर बक्की कार्तिकेयन, पुलिस अधीक्षक ललित साक्यवार, एसडीएम नरोत्तम भार्गव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया सहित सभी पुलिस प्रशासन के अधिकारी कर्मचारियों, पत्रकार गणों एवं गणमान्य नागरिकों ने सम्मान पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों की आत्म शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए मुरैना से विष्णु पंडित की रिपोर्ट। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।